नमस्कार, मैं हूं एम राजा और आप देख रहे हैं डीबीएन न्यूज नेटवर्क। आज बात पते में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, खास करके जब देश में लॉकडाउन की अवधि है और ऐसे में अब महज देश के प्रधानमंत्री के कथनी अनुसार अब महज 2 दिन बचे हैं जब लॉकडाउन की अवधि पूर्णतः देश से समाप्त होने के कगार पे है, तो वहीं गृह मंत्रालय का एक आदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि जो दूसरे राज्य में, जो भी बिहार के अलावा दूसरे राज्य में फंसे हुए लोग हैं, उन्हें वहां की सरकार लाने का काम करे। ये बात बिल्कुल समझ से दूर है, क्योंकि जब अब महज मात्र 2 दिन बचे हैं तो फिर गृह मंत्रालय का इस तरह का आदेश क्यों? ये आदेश साफ दर्शाता है कि अभी लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के कगार पे नहीं है। लॉकडाउन में अभी आपको और रहने पड़ेंगे। इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन की अवधि के बाद जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग जो फुटकर विक्रेता हैं, उनकी स्थिति बेहद खराब हो गई है। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि मैं उनके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि उन लोगों को जो बिहार से बाहर दूसरे राज्य में फंसे थे उनके अकाउंट पे 1,000 रुपया देने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई थी, उसका लाभ कौन लोग उठाए? जो पढ़े लिखे लोग थे, या तो निरक्षर हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं। अब वैसे लोगों को उसका लाभ नहीं मिलना है। बात मैं दूसरे तक नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि जब गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि आपके प्रदेश के लोग जो दूसरे प्रदेश में ठहरे हुए हैं, जो दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं, जो लॉकडाउन के कारण कहीं नहीं निकल पाए, उन्हें लाने की व्यवस्था की जाए, उन्हें प्रदेश सुरक्षित लाया जाए, जबकि लॉकडाउन अब मात्र लॉकडाउन में 2 दिन बचे हैं, अब यह अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्रालय का इस तरह का आदेश क्यों? गृह मंत्रालय के आदेश से साफ झलकता है कि अभी आपको लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा और 3 मई के बाद, ये निश्चित मैं बोल रहा हूं और निश्चित तौर पे मैं बोल रहा हूं कि लॉकडाउन की अवधि अभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने साफ संकेत दे दिए हैं कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने वाली नहीं है। अब सवाल ये उठता होगा, आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि गृह मंत्रालय ने तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है जिसमें कहा गया हो कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी, लॉकडाउन में अभी आपको रहना पड़ेगा और आगे बढ़ना बढ़ेगा लॉकडाउन। नहीं, ये आदेश नहीं है, लेकिन उनके संकेत बता रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी। आप अंदाजा लगाइए, मात्र 2 दिन बचे हैं, 3 मई को पूरे देश से लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने वाली है, लेकिन गृह मंत्रालय का आदेश आता है कि आप अपने अपने प्रदेश, आपके प्रदेश के जो लोग फंसे हैं दूसरे प्रदेश में, उसे आप सुरक्षित लाए, वहां की सरकार उसे लाने की व्यवस्था करे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मात्र 2 दिन बचे थे, 2 दिन के बाद सब कुछ धरातल पे आ जाता, सब कुछ ठीक हो जाता, तो फिर इस तरह के आदेश क्यों? ये आदेश ये संकेत दे रहा है कि लॉकडाउन की अवधि अभी और बढ़ने वाली है, लेकिन सरकार को एक और बातों पे ध्यान देना होगा। इस लॉकडाउन से जहां कोरोना महामारी पे हम पूरी तरह से पकड़ बना रहे हैं, ये बात सत्य है, इस कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन ही एक बेहतर उपाय है। सोशल डिस्टेंस में रहना हम लोगों के लिए कोरोना के चैन को तोड़ने के बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी कर रहे हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, उनकी स्थिति बेहद खराब हो गई है।
कोरोना के कारण कोई छोटा दुकानदार अपना दुकान नहीं खोल पा रहा है, जो फुटकर दुकानदार हैं वो अपनी दुकान नहीं चला सकते हैं, तो ऐसे में उनके परिवार की स्थिति क्या होगी, उनके परिवार की स्थिति का क्या होगा। सरकार को इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन बेहतर उपाय है, तो वहीं उन परिवार की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। जिला की बात की जाए तो कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जो आज तक इस कोरोना महामारी में साबुन और मास्क की बात तो छोड़ दीजिए जनाब, वो आज तक आम जनों से संवाद नहीं किए, उन्होंने आम जनों को आज तक किसी तरह का जागरूकता फैलाने का काम नहीं किया, उन्होंने आज तक अपनी जनता के लिए जो उनके दुख सुख में उनको जिताने का काम किया, उनकी फ्यूचर बनाने का काम किया, जो जात पात से ऊपर उठ करके उन्हें वोट देने का काम किया, वैसे लोगों के लिए आज वैसे राजनेता, आज वैसे जनप्रतिनिधि के पास समय नहीं है कि वो उनसे संवाद कर सके, वो उनके दुखहाल को समझ सके, उनके दर्द को समझे, उन्हें सिर्फ अपने वोट से मतलब है। इलेक्शन का समय आएगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी, जीतना ही है, किसी भी तरह तो जीतना है, अब चाहे पैसे का खेल हो या जात पात का खेल हो, चाहे उनके जो उनके बाहुबली हैं वो कई तरह के हथकंडे अपनाएंगे, जीतना तो तय है, लेकिन वैसे आम जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी आखिर कौन करेगा? आपको क्या सिर्फ वोट से मतलब है? अगर आप यही समझ रहे हैं तो आज देश की जनता जाग गई है। अब आप किसी भ्रम में ना रहें कि आप जात पात की लड़ाई लड़ाकर हिंदू मुस्लिम का खेल खेलकर आप इलेक्शन जीत जाएंगे। जनता समझदार है, अब जनता भी जागरूक हो चुकी है, आपके झांसे में नहीं आने वाली है। इस महामारी में आप कहां सो गए जनाब? क्या आपको भी किसी क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया जा रहा है? वही दुख की बात है जब आप आम जनों के बीच एक साबुन तक नहीं बांट सकते हैं। सारा काम सरकार के ही ऊपर नहीं कीजिए, अपने तरफ से अपने जो आपका अपना रुपया है उसे भी खर्च कीजिए, कुछ लोगों की मदद कीजिए, वैसे लोगों की मदद कीजिए जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, वैसे लोगों की मदद को आगे आइए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है आप इधर से सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे, आपको पता है। लेकिन याद रखिए, आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्शन के समय में उस तरह की राजनीति करेंगे, खेल खेलेंगे, तो ये अब आपकी भूल है। जनता जागरूक हो गई है, अगर जनता जागरूक नहीं है तो उसे जागरूक करने का काम भी किया जाएगा, उसे आपकी असलियत बताने का काम किया जाएगा, आपकी सच्चाई को बतलाने का काम किया जाएगा कि आप सिर्फ मतलबी लोग हैं, आप सिर्फ स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ इलेक्शन के समय में, ये जो बड़े बड़े बोल होते हैं आपके इलेक्शन के समय में, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, कहां गए आपके ये वादे? ये सब इलेक्शन के समय है, खत्म हो गए आपके इलेक्शन के समय ही वो रहेंगे, और इलेक्शन जैसे फिर शुरू होगा फिर आपके वही चालू हो जाएंगे, अभी आपके वो नजर नहीं आएंगे। कहां है आप कर्मठ, कहां ईमानदार, कहां है जुझारू, कहां है समाज से भी? बड़ा ही दुख होता है ऐसे जनप्रतिनिधियों पे जो सिर्फ अपने मतलब के लिए राजनीति करते हैं। जनता के बीच
आप मत आइए जनाब, आपको कौन कहता है आने के लिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप बिल्कुल क्वारंटाइन हो जाइए, लेकिन कम से कम एक बार अपने जनता को तो संवाद कीजिए। आपके लिए कई द्वार खुले हुए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया, आज इसका सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इस्तेमाल कीजिए, आप भी जनता को बताइए, जनता को बताइए ये कोरोना क्या है, इससे कैसे लड़ा जाए, इससे लड़ने का उपाय बताइए। आप देश के प्रधानमंत्री लगातार आह्वान कर रहे हैं, अपने पदाधिकारियों को भी लगातार दिशा निर्देश जारी करती रही है कि वैसे लोगों को चिन्हित करें तो बिल्कुल परेशान हैं, भूख से तड़प रहे हैं, वैसे लोगों को भी चिन्हित कीजिए और सरकार उसके लिए हर संभव प्रयास करेगी। आज कोरोना महामारी को लेकर के जो आज हमारे अंदर जो उहापोह की स्थिति बन गई है, आखिर क्यों, आखिर वार्ड सदस्य क्या काम करते हैं? जब वैसे लोग बाहर से आते हैं, वार्ड सदस्य को भनक तक नहीं लगती, अगर उसकी भनक लग जाती तो आज ये जो दरभंगा ग्रीन जोन में था, बिल्कुल आज भी ग्रीन जोन में होता। ये जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं, अपनी जिम्मेदारी से भटक गए हैं, प्रशासन के लोग जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, अगर वैसे जनप्रतिनिधि उनका साथ देते तो निश्चित ही दरभंगा आज भी ग्रीन जोन में होता। हमारे जिला अधिकारी द्वारा लगातार इस पे जिस तरह से मेहनत किया जा रहा है, अगर जनप्रतिनिधि साथ देते तो निश्चित दरभंगा ग्रीन जोन में होता। लेकिन ये जो वार्ड सदस्य है ये कहां है, उनके वार्ड में लोग आते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कौन लोग कहां से आते हैं, फिर उनको मैसेज दूसरे जगह से मिलता है, कहीं तीसरे जगह से मैसेज मिलता है कि भाई फलाना जगह से वो लोग साइकिल से आ गए, रिक्शा से आ गए, कैसे आ गए? पुलिस प्रशासन भी आखिर कहां है? पुलिस प्रशासन पे भी जिम्मेदारी बनती है, आखिर वो रिक्शा से कैसे आ जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश के प्रधानमंत्री हर चेक पोस्ट में नहीं बैठेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हर चेक पोस्ट में नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर चेक पोस्ट में बैठते हैं आप तो ये भी समझिए, जिम्मेदारी को निभाइए। मानते हैं, मैं सलाम करता हूं आपको, क्योंकि इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा अहम भूमिका भी आपकी है, डॉक्टर की टीम की है, मैं उनको भी सलाम करता हूं, क्योंकि वो भी लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस कोरोना से निपटना है तो हमें आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा, देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। तो अब मैं फाइनली आपको बता दूं कि जिस तरह से गृह मंत्रालय का जो जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर के, लॉकडाउन की अवधि अभी समाप्त होने वाली नहीं है, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। हाँ, एक बार मास्क 8 घंटा से ज्यादा एक मास्क का प्रयोग न करें, लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग करें, आप अपने हाथ को साबुन से धोए, सैनिटाइज करें, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस में रहे। इस कोरोना से हम लोग निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत है, तो निश्चित हमें आपको उनका साथ देना चाहिए। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री को एक बार मैं आग्रह करता हूं कि आप वैसे लोगों की भी दर्द को समझे, वैसे लोगों के दर्द को समझे जो लोग इस लॉकडाउन के कारण उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। कहीं ऐसा न हो कि कोरोना से कम मरे, भुखमरी से मर जाए। इसीलिए, और मैं वैसे जो आजकल जो एक नया ट्रेंड चल गया है ना मीडिया का, लोग लगातार, मुझे तो आश्चर्य होता है वैसे लोगों पे जो बड़े एक्सट्रीम चैनल है, जो अपने आप को दावा करते हैं कि मैं बड़ा चैनल हूं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप सच्चाई दिखाएं, सच्चाई से मुंह न मोड़े
और आप किस तरह की राजनीति करते हैं जनाब? राजनीति से हटे, आपका काम राजनीति करना नहीं है, आपका काम है आईना दिखाना, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष, आईना दिखाना हमेशा मीडिया का काम है।